हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी। आज हम एक इंस्टेंट नाश्ता तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी रहेगा, सबको बहुत पसंद भी आएगा और जल्दी से बन भी जाएगा। और इसे आज हम स्ट्रीट फूड वाले स्टाइल में बनाएंगे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हुए है एक कटोरी पोहा। ये जाड़ा पोहा मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अभी ये पोहे को मैं अच्छे से धो लेती हूँ। इसको दो तीन बार धो के साफ कर लेना है। ये देखो, यहाँ पे मैंने पोहे को धो लिया है। अभी इसे हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि पोहा अच्छे से भीग जाए। ये देखो, 5 मिनट बाद पोहा भीग चुका है। ये पोहा अभी हम ट्रांसफर करेंगे मिक्सी के जार में, कि हमें इसको थोड़ा पीसना है। तो ये पोहा मैंने इसमें डाल दिया है। उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी आधा बाउल सूजी। ये बारीक वाली सूजी ली हुई है, आप चाहे तो मोटी सूजी भी ये ले सकते हो। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे आधा बाउल डाला है दही, स्वादानुसार नमक और 2 चम्मच पानी डाल दिया है। अभी इसको मैं पीस लेती हूँ। हमें एकदम बारीक भी नहीं पीसना है और एकदम पेस्ट भी नहीं करनी है। ये देखो, ये ऐसे ही ये बैटर हमें चाहिए। तो ये मैं अभी निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एकदम 2 चम्मच पानी का यूज़ किया हुआ है। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो ये पतला हो जाएगा, हमें पतला नहीं करना है, बस ऐसे ही हमें ये बैटर चाहिए। ये देखो, ये मैंने निकाल लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये कड़ी पत्ते, 7-8 कड़ी पत्ते मैंने बारीक काट लिए हैं। उसके साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमें एक डो के फॉर्म में वो चाहिए, तो इसलिए मैं उसको हाथ से मिक्स करूंगी अभी। तो ये जल्दी से और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखो, बहुत ही मस्त दिख रहा है और एकदम परफेक्ट ऐसे डो तैयार हो चुका है। हम देख लेते हैं, इसका वड़ा बनना चाहिए, ऐसे ये डो चाहिए। देखो, इसका वड़ा बन रहा है, मतलब ये परफेक्ट ऐसे तैयार हो चुका है। अभी इसको मैं 5 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ। 5 मिनट के बाद ये थोड़ा और टाइट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे ली हुई है स्टीमर की प्लेट। आप जो भी आप जिसमें भी आप स्टीम कर सकते हो वो बर्तन ले सकते हो। इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ तेल से। पूरे प्लेट में मैंने तेल लगा दिया है, ताकि जो भी हम इसमें पकाएंगे वो चिपके ना। अभी ये जो बैटर हमने तैयार करके रखा है, इसके हमें हाथ से वड़े बनाने हैं, इसलिए मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया है। और ये थोड़ा सा नींबू के साइज का बैटर लेके इसका मैं एक वड़े के आकार का ये बना लूँगी। ये देखो, इसको ऐसे वड़े के इसके बना दिया और इसमें बीच में मैंने एक छेद कर लिया है। ये देखो, बहुत ही मस्त दिखता है ये। बस ऐसे ही हमें बाकी के वड़े भी तैयार करके रख देने हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता लगता है ये, सबको बहुत पसंद आता है। ये देखो, ये दूसरा वड़ा भी मेरा तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैं बाकी के भी तैयार करके रख दूंगी। ये देखो, ये पूरे वड़े मेरे तैयार हो चुके हैं। अभी हमें इसे पकाना है, तो हमें इसे स्टीम देनी है। तो इसलिए मैंने स्टीमर गैस पर रख दिया है। ये देखो, पानी उबल रहा है। अभी इसमें मैं वो प्लेट रख दूंगी। ये देखो, ये स्टीमर में मैंने प्लेट डाल दी है और इसको अभी हम ढककर 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट में ये वड़े का कलर एकदम चेंज हो जाएगा। ये देखो, वड़े का कलर एकदम चेंज हो चुका है, मतलब ये वड़े अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और ये वड़े को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखो, कितने मस्त दिख रहे हैं। आप चाहे तो ये वड़े ऐसे भी खा सकते हो, वड़ा ऐसा भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अभी हमें इसे देना है तड़का, थोड़ा स्ट्रीट फूड वाला हम इसको
टेस्ट देंगे। ये देखो कितना मस्त दिख रहा है। ऐसे ही मैं पूरे वड़े निकाल लेती हूँ। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच तेल यूज करूंगी और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई दाना और एक चम्मच तिल। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे दो तीन हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट के रखी थी। ये हरी मिर्च मैं इसमें डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक प्याज, एक बारीक कटा हुआ एक प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और प्याज को थोड़ा सा चम्मच चला के पकने देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये प्याज थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी हमें अच्छे से पकाना है। अभी हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, एकदम थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि वड़े में ऑलरेडी नमक है। सिर्फ यहाँ पे प्याज के लिए हम नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसके साथ अभी हम एक चीज और मिलाएंगे जिससे कि ये डिश एकदम ही टेस्टी लगे। तो इसमें अब हम मिला रहे हैं शेजवान चटनी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक चम्मच शेजवान चटनी जिससे कि ये डिश एकदम ही मस्त, एकदम टेस्टी लगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, बस दो तीन चम्मच पानी डाल देंगे और इसको मैं एक मिनट तक के ऐसे ही पकने देती हूँ ताकि वो टमाटर और प्याज अच्छे से स्मैश हो जाए। ये देखो ये पूरा अभी तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये जो वड़े हमने बनाए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखो ये वड़े अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। वड़े को हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पूरे मसाले में। मैंने यहाँ पे पूरे वड़े यूज किए हुए हैं। आप चाहे तो इसको काट कर भी इसमें यूज कर सकते हो। ऐसे ही मैं पूरे वड़े को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि पूरा मसाला वड़े में अच्छे से लग जाए। बहुत ही मस्त कलर आया हुआ है। ये देखो कितना मस्त कलर आया हुआ है, बहुत मस्त दिख रहे हैं और उतने ही ये टेस्टी भी लगते हैं। तो ये बन गई हमारी पोहे और सूजी की नई डिश। ये देखो बहुत ही मस्त दिख रहे हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर घर में जल्दी से कुछ चटपटा सा खाना हो तो उसके लिए ये डिश बहुत ही मस्त है। तो आप भी इस तरीके से एक बार नाश्ता जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।